अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, ठीक है। जो जो एमसीक्यू हम बोल रहे हैं उसको जरूर से पढ़ लोगे, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन, है ना। हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन, यहाँ ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, बोलिए क्या होगा। लिसनिंग, तीन का आंसर फर्स्ट दिया है लिसनिंग। तो हम लोग सब इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव कर रहे हैं फोन में, लिसनिंग से, तो लिसनिंग होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो सब क्वेश्चन अभी हम रीड कर रहे हैं, आप लोग टिक कर लीजिए बुक में, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। स्टेयरिंग हेड, नॉडिंग वाइल लिसनिंग, रिंकल्ड फॉरहेड, लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर। तो इसमें से लुकिंग, हाँ, तो इसमें आप बताइए फोर में कौन सा आंसर होगा। फोर का, फोर का होगा वन। फोर का तो वन आंसर दे रहा है, दैट इज स्टेयरिंग हेड, स्टेयरिंग हार्ट, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए दिया है स्टेयरिंग हार्ट, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं वो सब देख लो। उसके बाद है नीचे, ये देखो फिफ्थ नंबर देखो, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो, क्या शो करता है, बोलिए। जो हम बोल रहे हैं वो सब कर लोगे, इम्पोर्टेंट है। पांच नंबर, साइनेस, फियर, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, बोलो। साइनेस, फियर, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी, तो ये कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस, फाइव का थ्री कॉन्फिडेंस होगा, गुड, ठीक है। तो जो हम बोल रहे हैं उसको टिक करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। ये है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है, तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, चार हुआ है, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लेड, प्लेड फुटबॉल, क्या होगा। द चिल्ड्रन, 12 का आंसर यहाँ बोल रहा है आपको वन, दैट इज द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, समझ रहे हो। सिमिलरली नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। यू से गुड इवनिंग व्हेन इट, व्हेन इट इज 7 PM, सेवन पी एम, तो 21 का हो गया आपका 4। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम कॉम्युनिस्ट लैटिन विच मीन्स, क्या होता है उसका मतलब। 23 क्वेश्चन नंबर का, कम्युनिटी, 23 का आंसर दिया 4 नंबर, कॉमन। कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो डिराइव कॉम्युनिस्ट लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कॉमन। बुक में देखे हो आप लोग, कॉमन होता है ना जी। कॉमन होगा जी, ठीक है, कॉमन को टिक करोगे। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, जो कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं। 24 नंबर, मैसेज, मैसेज, मैसेज बोलते हैं, यस, टिक करते जाओ। जो जो इम्पोर्टेंट है हम बताते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप, क्या होगा, बोलो। 26 का, नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है, ट्रेवल तो करता नहीं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी नहीं होता है, प्लान भी नहीं होता है, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस। नेक्स्ट 27 देखो, शॉर्ट शॉर्ट वाला, कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डैश स्किल्स, क्या होगा। हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, रफ,
या शॉर्ट, क्या होगा 27 का? सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स लिखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 भी करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल, इसमें से कौन है जो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है? स्लीपिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, चैटिंग, तो हम लोग सब जानते हैं स्लीपिंग। 28 का वन। देन 29, डैश इज नॉट वन ऑफ द सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन में इसमें से कौन नहीं है बताओ? कंसाइज, क्लियर, करेक्ट, कैरेक्टर। 29 का थर्ड, कैरेक्टर नहीं होता, हम लोग सेवन सीज पढ़े थे। Yes, sir. फिर 30 नंबर क्वेश्चन भी करोगे, इन कम्युनिकेशन डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज, ये आया भी था फर्स्ट टर्म में, मतलब फर्स्ट वाले फेस टेस्ट में। तो ये क्या होगा, थर्ड, 30 का थर्ड नंबर, दैट इज कॉन्क्रीटनेस। देन डैश इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, 31 नंबर देखो क्या होगा, बोलो 31 रिटन कॉम्युनिकेशन, अच्छा अच्छा 31 नहीं है, है नीचे में दिखा, यस सर बताइए 31 नंबर का आंसर। टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ओरल होता है कि रिटन, की बॉडी लैंग्वेज, बोथ वन एंड टू? सर बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू, लेकिन बुक बता रहा है 31 का टू, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, बोथ वन एंड टू भी चलेगा लेकिन आप रिटन कम्युनिकेशन लिखना, ठीक है। yes, उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज में आते हैं हम लोग। थर्ड पेज में देखो क्या इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ठीक है 45 नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 34 देखो। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? प्रिंटेड एंड हैंड रिटन मैटर, स्पीच, साइंस एंड सिंबल्स, नन ऑफ द एबव। सर वन, प्रिंटेड एंड हैंड रिटन मैटर, लेकिन 34 का 4 दे रहा है, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? 34 का 4 किस हिसाब से आंसर में दे रहा है जी, कौन सा बोल रहे हो आप लोग? सर वन, प्रिंटेड एंड हैंड रिटन मैटर, यस प्रिंटेड एंड हैंड रिटन मैटर होगा, बुक गलत दे रहा है। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, 35 नंबर देखो, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ऑल ऑफ द एबव। सर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, 35 का 2 नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज होता है, टोन ऑफ वॉइस में तो ओरल ना हो गया जी, वो तो बोल रहा है ना, समझ में आ रहा बात? और सर पोस्चर, पोस्चर में तुम किस स्टाइल में खड़ी है ना, समझ में आ रहा बात? पोस्चर में yes, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से तुम पोस्चर में किस हिसाब से खड़ी है, तुम्हारा मूवमेंट क्या है, तो ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद 37 में आओ, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमनिस लैटिन वर्ड व्हिच मींस, ये तो कॉमन होगा, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। उसके बाद आइए सर, आपका आवाज कट रहा है, हेलो सर आपका आवाज कट रहा है, यस सर 44 नंबर में अभी आ रहा है, हाँ सर 44 में देखो क्या दिया हुआ है, Shubham made up her mind to speak to me. The meaning of the phrase in the given sentence is क्या होगा? Mixed. इसका क्या मतलब होगा? A. Mixed. 44 का one. Then which of the following? 46 देखो. Which of the following? What is an example of sir, an interjection? Sir 45 तक ही show है. Sir 45 तक ही show कर रहा है. आया आप. Now. Which of the following word is an example of an interjection? कौन सा होगा जी? When, ouch, within. 46 का 3. Sir. Ouch. है ना? तो ये आपका हो गया first chapter का. अब fill in the blanks देखो. Fill in the blanks भी आपका exam में भी आएगा pre-midterm में. 10 fill in the blanks होगा, 10 MCQ होगा. तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो कौन कौन कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स देखो तो भेजेंगे।